नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी की सरकार, पर क्या वाकई ये आम आदमी की सरकार है? सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो दिल्ली और दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए खबर शुरू होने से पहले आप केजरीवाल की ये तस्वीर जरा ध्यान से देख लें और जहन में भी बिठा लें। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि खबर इसी से जुड़ी हुई है, इसी संबंध में है, साथ ही कई सवाल भी जुड़े हुए हैं कि आखिर क्यों आप सरकार विशेष मजहब के लोगों के लिए इतनी मेहरबान है, आखिर क्यों? ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। केजरीवाल सरकार का एक सच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल सामने लेकर आए हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके पूछा है, जो केजरीवाल जी पहले हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल या कॉलेज बनाने की बात करता था, वही दिल्ली में मुसलमानों को खुश करने के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से द्वारका सेक्टर 22 में 100 करोड़ की लागत से हज हाउस बनवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली को हज हाउस की जरूरत है या अस्पतालों की? क्योंकि हाल के महीने में कोरोना ने दिल्ली में ऐसी तबाही मचाई थी कि अस्पताल क्या शमशानों तक में जगह नहीं बची और केजरीवाल सरकार ये सब भूलकर हज हाउस बनवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर मुद्दा वोट से जुड़ा है तो केजरीवाल जी कहते थे कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, फिर ये ईमान कहाँ चला गया? और ये जुबान, खैर जुबान की बात तो ना ही की जाए तो भला होगा, क्योंकि ये अक्सर फिसलती रहती है। इतना फिसलती है कि केजरीवाल अपने पुराने बयानों को सुन ले तो अपने आप पर यकीन करना भूल जाएं। पर लोग कहते हैं कि आम आदमी के प्रतिनिधि अब नेता बन चुके हैं, इसलिए सब भूल जाते हैं, पर जनता कुछ नहीं भूलती। आपको तो याद ही होगा, जब राम मंदिर को लेकर कोर्ट का फैसला आया था तब बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाना चाहिए, लाइब्रेरी बनानी चाहिए, और कुछ यही बात केजरीवाल ने भी की थी, और अब वो ये सब भूल चुके हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दावा है कि दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 22 की जमीन पर आम आदमी पार्टी हज हाउस बनाने जा रही है। ये दावा किया बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार ने, और इस दावे के साथ सवाल भी पूछा जा रहा है कि केजरीवाल जी क्यों दिल्ली की जनता का पैसा, जो जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है, वो आप केवल मुस्लिम समुदाय पर खर्च करते हो? अगर उनके दावों में सच्चाई है तो केजरीवाल को इसका जवाब भी देना चाहिए। सुनिए नवीन कुमार की ये बात कही। मंदिर निर्माण के लिए जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तब अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के सारे मंत्री ये बात लगातार चिक चिक करके कहते रहे कि अगर उनकी सरकार केंद्र में होती तो वो वहाँ पर यानी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बल्कि एक अस्पताल बनाते या फिर वृद्धाश्रम बनाते। दिल्ली के अंदर कोरोना काल में सबने देखा किस प्रकार से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। दिल्ली में अस्पतालों के अंदर जगह नहीं थी। दिल्ली सरकार कह रही थी उसके पास अस्पताल बनाने के लिए स्थान नहीं है। दिल्ली के लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इस जमीन पर यानी कि द्वारका सेक्टर 22 में जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो 100 करोड़ रुपया खर्च करके एक हज हाउस बना रहे। अमानतुल्लाह खान इस हज हाउस के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। 5 करोड़ रुपए अब तक इस पे खर्च हो चुके हैं और कई बार इसका शिलान्यास हो चुका है। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब आपके पास जगह है, इस जगह पर आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते? इस जगह पर आप स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाते? इस जगह पर आप किस प्रकार से हज हाउस बना रहे हो केवल एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दिल्ली की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्या वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने केवल मुसलमानों के लिए समर्पित कर दिया है? मैं अरविंद केजरीवाल से जानना चाहता हूं और दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि केजरीवाल साहब जरा ये सोच करके बताओ, आप दिल्ली के अंदर इस समय आवश्यकता अस्पतालों की है, कॉलेजों की है या हज हाउस की है? किस चीज की आवश्यकता है? केजरीवाल साहब, गंदी राजनीति को छोड़िए, इस समय आवश्यकता दिल्ली को बचाने की है, यहाँ पर कॉलेज अस्पताल बनाने की है, हज हाउस बनाने की नहीं। इसमें सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल बीते महीनों में हुई मौतों को भूल चुके हैं? क्या केजरीवाल को विलाप भूल गए हैं? क्या केजरीवाल अपना सियासी रोना धोना भी भूल गए?
जब वो केंद्र से कहते थे कि मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, क्या केजरीवाल ये भूल गए हैं कि दिल्ली को हज हाउस से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है? अगर नहीं भूले तो बीजेपी के उठाए सवालों का जवाब देने के लिए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि अस्पतालों से ज़्यादा हज हाउस की ज़रूरत दिल्ली को क्यों है। सिसोदिया जी को कागजों का पुलिंदा लेकर आना चाहिए और बताना चाहिए कि दिल्ली को ऑक्सीजन की नहीं हज हाउस की ज़रूरत है। आप किस बारे में क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।